sea python. So ye hai blue poisonous tar frog. It's really very dangerous for us to bite. We should take a photo. तो चलो चलते हैं हम ऊपर. सी लाइफ यानी कि कैसी है. हम लोग कर गए हैं सी लाइफ के अंदर एंट्री और दिखने में यहाँ पर काफ़ी अंधेरा अंधेरा है और लग रहा है यहाँ पर आकर के कि सच में हम लोग एक सी के अंदर आ गए हैं. यहाँ का माहौल देख कर के वाकई मज़ा आ गया. और एक छोटा सा यहाँ पर इन्होंने एक एक्वेरियम बनाया हुआ है. तो चलिए आइए. अब हम लोग चल रहे हैं थोड़ा और आगे और सी लाइफ यानी कि कैसी है तो देखते हैं इस तरह के. और कौन से चीज़ें क्या है. ऑक्टोपस है या क्या है तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है. देखते हैं कैसी होती है. काफ़ी बड़ा है.
इसका नाम है डॉग फेस पफर, क्योंकि इसका फेस डॉग जैसा है। अभी ये भौंभौं भी करेगा। और इस फिश का नाम है बिग बेली, क्योंकि इसकी जो बेली होती है वो काफी मोटी होती है, इसलिए इसका नाम रख दिया है बिग बेली। और ये हम लोग आ गए हैं रेन फॉरेस्ट एडवेंचर। तो यहाँ पर क्या है, लीफ कटर आंट जो भी दिख रहा है। ब्लू पॉइजनस डार्क फ्रॉग, और बहुत पॉइजनस होते हैं, ब्लू कलर के होते हैं। और वो ना फ्रॉग, वो देखो छोटा सा, मैं ज़ूम करके दिखाती हूं। बहुत सारे हैं ये, काफी मतलब जहरीला होता है। पहले जो आदिवासी हुआ करते थे, इसके पॉइजन से वो डार्ट बनाते थे और वो अपने शिकार के लिए यूज करते थे। और अभी आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाते हैं, ग्रीन सी पाइथन दिख रहा होगा आपको। पाइथन, व्हाट्स ऑन योर लिस्ट? बिल्कुल, ये तो एकदम लीफ की तरह ही लग रहा है। हां, ऐसा जैसे लीफ है। वो जंगल में एक ऐसे कुछ लीच होते हैं कि आपको इनकी आवाज भी आ रही होगी। तो जंगल में ऐसे लीच होते हैं जो एकदम आपकी स्किन पर चिपक जाते हैं और पूरा खून चूस लेते हैं। वहाँ पर क्रोकोडाइल बैठा हुआ है और हमारे टर्टल्स भी हैं, कैटफिश भी हैं। वो देखो टर्टल्स, क्रोकोडाइल है। एंड शी, यहाँ पर कितनी सारी जायंट फिश हैं, बहुत बड़ी बड़ी जायंट फिशेस। तो आप एनाकोंडा की वॉइस सुनिए। आदि आदि का आदि डाल के देंगे, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। तो अब मम्मी और लाडू जा रहे हैं यहाँ पर, इनके लिए भी लिखा है वार्निंग है, वी शुड टेक अ फोटो। तो चलो चलते हैं हम ऊपर। सो गाइज, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा कि वाकई जो इन्होंने एक फॉरेस्ट वगैरह बनाया हुआ है, सी लाइफ पूरी दिखाई हुई है। तो जो है, अगर एक इंसान अगर एक मतलब अगर फॉरेस्ट जंगल में फंस जाए तो उसके लिए कितना मुश्किल है कि जो है जंगल को क्रॉस करना है।
इट्स रियली वेरी डेंजरस फॉर अस बट रियली वेरी गुड एक्सपीरियंस और बहुत अच्छा है. ठीक है, आप इंजॉय करिए वीडियो को और देखते रहिए. थैंक यू. तो अब स्टार्ट होने वाला है पोलर एडवेंचर. हाँ तो जी, ये वो है जानवर जो बर्फ में रहते हैं और ये पूरा उनके लिए वैसे ही बना हुआ है. जी अब आ गए हैं हमारा आइसक्रीम का. तो